स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे नए चैनल माय ट्राइसिटी पाठशाला। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ओशिनिया की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और छोटे छोटे बहुत से आइलैंड आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, ओशिनिया को हम चार पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, जो हैं ऑस्ट्रेलिएशिया, मलेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो वर्ल्ड मैप में ये चारों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर माइक्रोन एशिया, उसके नीचे मेलानेशिया और नीचे उसके ऑस्ट्रेलेशिया और येलो कलर में पॉलिनेशिया। छोटे छोटे आइलैंड्स इनमें हैं, जिनका हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलेशिया की, इसकी कंट्रीज और कैपिटल। ऑस्ट्रेलेशिया, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, मुख्य तौर पर दो कंट्रीज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबरा, और दूसरी आती है न्यूजीलैंड, जिसके कैपिटल वेलिंगटन। इन कंट्रीज का एरिया और पॉपुलेशन साथ में दे रखी है, जिसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में ये दोनों कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुख्य हैं, जो के नक्शे में साफ नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल कैनबरा और न्यूजीलैंड के कैप्टन वेलिंगटन। तो अब जानते हैं माइक्रोनेशिया की, इसकी मुख्य कंट्री और कैप्टन। माइक्रोनेशिया में मुख्य कंट्री जो है तो वो है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, जिसकी कैप्टन है पालकित। उसके बाद गुआम, किरीबाती, मार्शल आइलैंड, नोरू, नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, पलाऊ, वेक आइलैंड। तो इनकी कैप्टन, एरिया और पॉपुलेशन आप इजीली देख पा रहे होंगे, जिसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप में फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया साफ नजर आ रहा है, कैपिटल पालिकिर, और सबसे टॉप में गुआम और मार्शल आइलैंड्स। तो ये सारे हम छोटे छोटे आइलैंड की स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है मलेशिया, इसकी कंट्री और कैपिटल की स्टडी कर लेते हैं। तो मेन कंट्री जो इसमें आती है मलेशिया में, फिजी, कैपिटल सुवा, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ, वेस्ट पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वेनातु, ये मुख्य कंट्रीज हैं और ये आइलैंड्स भी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कि मलेशिया के पार्ट है।
तो दोस्तों वर्ल्ड मैप की बात करें तो मेलानेशिया का रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा होगा रीजन, जिसमें फिजी, वैनुअतु, न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, तो ये सारे आइलैंड जो हैं मेलानेशिया पार्ट में हैं और इनकी स्टडी भी हम इजीली कर सकते हैं। तो लास्ट में आता है पोलिनेशिया, तो इसकी स्टडी कर लेते हैं कंडोर कैपिटल की। तो उसमें मुख्य जो आइलैंड है डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिकन समोया, कुक आइलैंड, समोवा, हवाई, टोंगा, टुवाकू, तो ये सारे जो है डिपेंडेंट आइलैंड है जो के पॉलिनेशिया एरिया में पड़ते हैं। पॉलिनेशिया पार्ट जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे टॉप पे हवाई जो के यूएसए के डिपेंडेंट कंट्री है, कैपिटल होनोलुलु। और इसमें और अगर बात करें तो फेमस जो टूरिस्ट प्लेस है आइलैंड है वो टोंगा है, टुवालू ये भी नजर आ रहा है। तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन सभी आइलैंड को मिला के ये पॉलिनेशिया बनता है। तो अब दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जो कि महाद्वीप भी है और कंट्री भी। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को मुख्य 6 स्टेट्स जो कि आपको नजर आ रही है और 2 टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, और इनकी मेन कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। तो दोस्तों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको नजर आ रही होगी, इसकी मेन मेन जो स्टेट उनकी कैपिटल हैं और बिग सिटी हैं, सबसे पहले बात करें तो ब्रिस्बेन आपको नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी सिडनी और ऑस्ट्रेलिया की कंट्री कैनबेरा, और नीचे आपको नज़र आ रही है मेलबोर्न, और तस्मानिया में सबसे बड़ी सिटी होबार्ट, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें एडिलेड, और वेस्टर्न पार्ट में जो सबसे बड़ी सिटी है वो है पर्थ। तो ये सारी कंट्री है जो कि काफ़ी बड़ी कंट्री है और महाद्वीप भी है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जो कि ओशियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, तो न्यूजीलैंड के मैप में आप देख रहे होंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ सदर्न आइलैंड। नॉर्थ में अगर बात करें तो सबसे बड़ी न्यूजीलैंड की जो सिटी है वो होती है ऑकलैंड, उसके बाद ओराना, हैमिल्टन, और अगर न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात की जाए कंट्री की तो वेलिंगटन वो आपको नज़र आ रही है। और साउथ पार्ट की बात करें तो क्रिस्ट चर्च मेन सिटी है, काफ़ी बड़ी और फेमस है। उसके बाद साउथ में ड्यूनेडिन, और लास्ट में जो आइलैंड आता है बड़ा फेमस है स्टीवर्ट आइलैंड। तो ये न्यूजीलैंड और ये भी ओशेनिया का ही पार्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ओशेनिया के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ माई ट्राई सिटी।